नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। और सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे ही होंगे। तो देखिए, मैं सुबह के छत पर आ गई हूँ। आज मैं लगाऊंगी टमाटर और बताऊंगी कि टमाटर कैसे उगाना चाहिए तो अच्छी फ्रूटिंग करता है और पौधा भी मजबूत रहता है। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ टमाटर। ये टमाटर अपने आप निकल आए हैं, जो हम लोग खाते हैं टमाटर सलाद वगैरह में, तो वो मेरे कंपोस्टिंग के साथ आ गए थे। वो मैं सब इन्हीं गमलों में डाल दी थी, तो गमलों में बहुत सारे टमाटर निकले हैं। तो चलिए निकालती हूँ। ये यहाँ मेरे क्यारी में बहुत सारे टमाटर उगे हुए हैं, किचन वेस्ट के साथ ये आ गए हैं, और सारा किचन वेस्ट मैं इन्हीं क्यारियों में डाल दिया करती हूँ। चलिए निकाल लेती हूँ। इनको धीरे से ऐसे आसानी से निकाल लेंगे, ये ऐसे निकल आते हैं। ये ज़्यादा इन्हें दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रूट डैमेज हो भी गई तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी टमाटर की कटिंग लगती है। तो ये मैं ले लेती हूँ और एक आध इधर से भी ले लेती हूँ, थोड़े बड़े ले रही हूँ। ये इतने सारे ले लिया मैंने, तो चलिए इन्हें कैसे लगाना है मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने मिट्टी पहले से तैयार कर ली है, इसकी थोड़ी गुलाई कर देते हैं क्योंकि बारिश हो रही है लगातार एक दो दिन से, तो ये थोड़ी मिट्टी बैठ गई है। इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल और 50% गोबर की खाद मिलाया है। तो चलिए लगाती हूँ और दिखाती हूँ। तो इसमें हम ऐसे गड्ढा कर लेंगे, गड्ढा थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमें टमाटर जो लगाना है, टमाटर का ये पौधा है देखिए, इसके नीचे की पत्तियाँ हटा देंगे, तो हमें इसे थोड़ा ज़्यादा गाड़ना रहता है। ये देखिए, इसको क्या है, हम इसको थोड़ा ज़्यादा ऐसे गाड़ेंगे। गाड़ने के बाद इसमें हम धीरे से मिट्टी डाल देंगे ऐसे, ये। तो इससे क्या है, हमारे टमाटर के पौधे में मजबूती आएगी, इसके जड़ ज़्यादा मजबूत रहेंगे। तो एक दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ। ये हमने गड्ढा किया, मजबूत पौधा लेना है। ये थोड़े बड़े ही पौधे हो जाएं तभी शिफ्ट करना चाहिए। और ये हम नीचे के दो हटा देंगे, और इसको क्या है, हम ऐसे सुला कर लगाएंगे, ऐसे सुला देंगे। सुलाने से भी ये हमारा पौधा तना ज़्यादा नीचे जाएगा, और हम इसमें मिट्टी डालकर इसको ऐसे खड़ा कर देंगे। ये इससे भी हमारा पौधा काफ़ी मजबूत होगा और फ्रूटिंग अच्छी कर रहा है। तो दोस्तों, मैं इसमें तीन लगा रही हूँ। ये देखिए, ज़्यादा नीचे तक गड्ढा कर दिया है, अब इसमें मैं तीसरा पौधा लगा रहा हूँ। उसे तो दो ही लगाना चाहिए, लेकिन जगह बहुत कम है मेरे पास, तो मैं इसमें तीन लगाऊंगी। बाद में अगर कोई कमज़ोर हो गया तो मैं उसे हटा दूंगी। पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी मिट्टी बहुत गीली है। और ये मैंने अभी लगाया है, वो मैंने लगा के दिखाया है, ये मैंने पहले ही लगा लिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बारिश हो रही है तो आप कोई भी पौधे लगाइए, मिर्च वगैरह भी लगती है तो आप उसे भी लगा लीजिए, और इसमें आपके पौधे अच्छे चल जाएंगे। देखिए, ये मेरा गार्डन है, इसमें मैं बहुत सारी सब्जियां लगा रखी हूँ। ये देखिए, ये बाल्टी में अभी लगा दिया है, अब मैं इसे इस तरह कैरेट में शिफ्ट कर दूँगी। ये मैंने कल ही शिफ्ट किया है, उधर मिर्च लगानी है मेरी। ये मेरा शहर है इलाहाबाद, देख लीजिए दोस्तों आप लोग भी। ये मैं इलाहाबाद प्रयागराज में ही रहती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये मेथड बहुत कम लोग बताते हैं, और हम इसमें एक हफ्ते बाद गुड़ाई करके मिट्टी भी चढ़ाएंगे। टमाटर के पौधे को, मिर्च के पौधे को मिट्टी भी चढ़ाई जाती है, उससे हमारे पौधे मजबूत होते हैं और जड़ों में पानी
कम पहुंचता है, हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं और फ्रूटिंग भी अच्छी करते हैं। मैं तीसरी मंजिल पर खड़ी हूँ, हवा तेज़ चल रही है, सुबह का समय है, लगभग 8:30 हो रहे हैं और बारिश का मौसम है, इसलिए मैंने टमाटर आज लगा दिया है क्योंकि बड़े भी हो रहे थे और इस समय जल्दी पकड़ लेंगे, वरना बारिश बहुत कम हो रही थी प्रयागराज में तो कोई पौधे लगा भी नहीं पा रही थी, तो टमाटर को मैंने लगा दिया है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।